मैम, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, मेरे हस्बैंड को डायबिटीज डायग्नोज हुआ है। मैम, उन्होंने जब फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था तो उनका 236 आया था डायबिटीज, और आज फिर से उन्होंने अपना चेक किया है तो उनका 101 आया है। वेरी गुड। मैंने उन्हें हीलिंग्स भी दी थी और उन्होंने अपना भी जैसे आसन वगैरह वो ये सब उन्होंने भी किया और मैंने भी अपना काम किया। तो मैम, बुधरा जी ने ब्लेस किया रिलीविंग लेटर मीन्स जॉब के लिए था ना, जॉब छोड़ी थी तो वो कंपनी से ना रिलीविंग लेटर नहीं मिल रहा था। अब नहीं तो वो अदर मेरे जॉब फिर से ज्वाइन नहीं कर सकते ना। जॉब के लिए डालना है, ये हीलिंग्स करनी है तो उसके लिए मुझे फिर जॉब मिल गई है, ये परमिशन डालनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये परमिशन ऐड करके और जो भी वो चाहते हैं एग्जैक्टली उनसे बात करके, पहले उनसे बात करो, उनको काउंसिल करो, उसके अकॉर्डिंगली आप अफर्मेशन भी ऐड कर सकते। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है आप पूछ सकते। ठीक है मैम, और एक बात, जैसे हस्बैंड की हीलिंग करती हूँ ना तो मुझे मेरा एनर्जी लेवल बहुत लो लगने लगता है। और खुद की मेडिटेशन करती हूँ उसमें भी लो लगता है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे मैंने उनकी हीलिंग की ना तो मुझे थोड़ा हीलिंग क्राइसिस हो रहे थे। मेरे से ना बॉडी एक हो रहा है, वो सुस्ती ऐसे नहीं करता कि बस पड़ी रहूं ना, ये सब चीजें हो रही थी। आज मुझे बेटर हीलिंग भी हो सकता है। प्लस आपका 21 डेज अभी हीलिंग कम्प्लीट नहीं हुआ तो भी होता है। 21 डेज जब आप रेगुलर कर लोगे तो एनर्जी लॉक हो जाएगी आपके साथ, उसके बाद ये हीलिंग क्राइसिस भी कम होगा। ठीक है, तो अपनी रेगुलर हीलिंग करते रहो और उसके बाद ही अपने हस्बैंड को या किसी को भी हीलिंग दो, पहले अपनी हीलिंग करो। ठीक है। और मैम, आज जैसे मदर हीलिंग की ना तो मुझे जैसे जैसे मैं मदर हीलिंग कर रही थी तो मुझे ना ऐसे कुछ ऐसे राउंड राउंड था और वो ऐसे करते हुए मेरे यहाँ थर्ड आई तक ऐसे राउंड राउंड करके बस यहाँ आकर मींस वो स्ट्रॉन्ग हो रहा था और ऐसे पूरा ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने आपको जैसे बताया बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग है और इससे हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होता है। बेसिकली लेवल 2 आपके सेक्रल चक्र और थर्ड आई के लिए ही है ना, एक्टिवेशन के लिए। तो इसमें आपका इंट्यूशन पावर, क्लेरोवॉयंस, सिक्स सेंस बहुत अच्छा एक्टिवेट होगा। और इसको जब आप 21 डेज रेगुलर कर लेंगे विद अर्थ हीलिंग तो आप खुद ऑरा स्कैन कर पाएंगे, सेंस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे कौन पर्सन राइट है कौन रॉन्ग है। जैसे अभी नेहा जी को समझ नहीं आ रहा तो वो क्लैरिटी और ला सकते हो इसमें, मेरे को कहाँ जाना चाहिए। लाइक कोई कोर्स भी करना है तो बहुत सारे मेंटर्स भी अवेलेबल है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने बस आंखें बंद करना है और आपके सामने अपने आप चेहरा आ जाएगा या आपको अपने आप फीलिंग आने लग जाएगी, हाँ ये पर्सन ऑथेंटिक है, क्लियर है, या मैं इसके पास जा सकती हूँ। इवन डॉक्टर के पास जाना है कहीं भी किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट में, इंटरव्यू के लिए, कहीं जॉब करना है, तो वो चीजें आपको क्लियर होने लग जाएंगी, एनर्जी सेंस होने लग जाएगी आपको क्लियरली। मैम एक्चुअली जब मैंने लेवल 1 किया था ना तो मैं हीलिंग्स करती थी अपने फैमिली मेंबर्स की, तो मुझे क्लियर होने लगता था कि इन्हें क्या प्रॉब्लम है या किस बंदे से इन्हें प्रॉब्लम है। तो आपका जब लेवल 2 आया तो उसकी फीस थोड़ी हाई थी, मैं नहीं अफोर्ड कर पा रही थी, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हुआ, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं करना मुझे अभी लेवल 1 की भी प्रैक्टिस नहीं करनी। फिर मैंने बुधराज को बोला कि अगर आपको कराना है तो मुझे लेवल 2 करा लो, आपके ऊपर है, मुझे नहीं पता कैसे होगा लेकिन आपने देखना। अब आपने जैसे ही गुरु पूर्णिमा पर आपने इसको थोड़ा सा डाउन किया, मैंने तभी के तभी इसको ज्वाइन कर लिया। और फिर बुधा जी ने तो मुझे बुलाया भी, मैं मैकलोडगंज गई हूँ उनकी मोनेस्ट्री में बैठ कर मैंने वहां मेडिटेशन किया है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया, मैंने तो बोला ही था। और जो भी कहता था कि मैम सेकंड लेवल हम नहीं कर पा रहे या प्रॉब्लम है, तो बस बुद्धा जी को आप सरेंडर कर दो, वो अपने आप करा देंगे, अपने आप कोई ना कोई वो वे अपने आप निकाल देंगे अगर आप रियली करना चाहते हो। बिकॉज ये एक्चुअली कोर्स नहीं है, बुद्धा ब्लेसिंग ही है। जब कोर्स कर लिए तो आप खुद उसको सेंस कर सकते हैं, ये प्योर ब्लेसिंग है। ठीक है, तो इसको बस प्रैक्टिस कर मैम। एक फेवर और चाहती हूं जी मैम, क्या मैं आपके आपकी इसमें जो आपका ये क्या है सेंटर पर आकर डेमो क्लास ले सकती हूँ, एक या दो जैसे भी आप अलाउ करो।
कौन सी डेमो क्लास? जैसे आप हीलिंग्स वगैरह करते होंगे तो उसको आप मुझे एक दो हीलिंग्स दो, मैं करने के लिए उसको करूं, या फिर आप कर रहे हैं मैं उसको देखूं लाइव कि कैसे क्या होता है सब कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ रहते हैं आप? मैम रोहिणी 15 सेक्टर 15। हमारा दिल्ली में ही है सेंटर, नॉर्थ दिल्ली। आप टीम पे कॉन्टेक्ट करके आप आ सकते, हम आपको बुला, कोई दिक्कत नहीं, आप आ सकते। ओके, थैंक यू।